अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबकी। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज मैंने बनाया है फिश कटाकट, तो आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने जो है फिश को बॉईल करके इसमें से कांटे निकाल लिए थे। यहाँ पर जो है मैंने 5 टीस्पून ऑयल लिया है और इसमें हम सारी फिश ऐड कर देंगे और अच्छे से इसे भुनेंगे 4 से 5 मिनट के लिए। बस ध्यान रहे कि यहाँ पे जो है फिश लगे ना, वरना स्मेल आएगी जली जली। तो यहाँ पर जो है मैं स्पून से इसको अच्छे से मिक्स करती रहूँगी। इसमें बिल्कुल भी जो है हमें छोड़ना नहीं है, वरना ये फ़ौरन से लग जाएगी। तो इसे मैं ऑयल में फ्राई करूँगी 4 से 5 मिनट। तो अब मैं इसे लो फ्लेम पर रखूँगी और यहाँ पर जो है मैंने 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्ची ली है, 1 टीस्पून हल्दी लेंगे और 1/2 टीस्पून नमक लेंगे। नमक आप लोग जो है अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने फ़िश ली है वो 1 केजी की है। तो यहाँ पे 1 केजी का हम कटाकट बना रहे हैं। यहाँ पर जो है मैंने 1 टीस्पून काली मिर्चें ली हैं और 1/2 टीस्पून जिंजर गार्लिक का पाउडर लेंगे ड्राई फॉर्म में, क्योंकि जो है अगर हम अदर लहसुन पिसा हुआ लेंगे तो उसमें पानी होता है, जो कि हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। यहाँ पर जो है मैंने बड़ी वाली हरी मिर्चें इसको कट करके रख ली हैं अच्छी सी, 1 प्याली ही ली है। और जो है यहाँ पे मैंने प्याज लिए हैं, प्याज जो है इसमें मैंने 8 से 10 लिए हैं, क्योंकि प्याज इसमें ज़्यादा ऐड होते हैं, बहुत अच्छा इससे फ्लेवर आता है। और यहाँ पर जो है मैंने फ़िश मसाला लिया है 3 टीस्पून, पहले भी मैंने फ़िश की रेसिपी में बताया था। तो अब मैं इसमें 1/2 जो है अनियन ऐड कर दूँगी और 1/2 जो है हम गार्निशिंग करेंगे। तो यहाँ पे जो है मैंने 1/2 हरी मिर्चें भी ऐड कर दी हैं और जो हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स रखे थे वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और अब मैं इसे लो फ्लेम पर ही अच्छे से मिक्स करूँगी। तो यहाँ पे अगर आप लोगों को ऑयल की और भी ज़्यादा नीड हो तो आप लोग ऐड कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे जो है मैंने 5 टीस्पून ही लिया था, 1 केजी के लिए काफ़ी है। तो मैं इसे अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल पर अगर आप लोग न्यू हैं तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरे आने वाली हर न्यू वीडियो का आपको पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दिएगा। बिल्कुल लग रहा है ना रेस्टोरेंट जैसा, बहुत ही टेस्टी और यमी होने वाली है ये रेसिपी। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। और किस किस का फेवरेट है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो अब ये अच्छे से 5 से 7 मिनट के लिए मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया था और लो फ्लेम ही रखा था, ताकि ये लगे ना, क्योंकि ये जो बिल्कुल ड्राई होती है तो फौरन से लग जाती है। और अब यहाँ पर जो है हम बचे हुए ऑनियन भी ऐड कर देंगे और साथ में हरी मिर्चें भी, और गार्निशिंग करेंगे इसको हरे धनिए के साथ। तो ये देखें यहाँ पर जो है बिल्कुल भी लगा नहीं है। और जो है यहाँ पर कुछ लोग टमाटर भी ऐड कर देते हैं, तो अपने अपने टेस्ट की बात होती है। वैसे जो है टमाटर इसमें बहुत कम ऐड किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं इसमें हरा धनिया भी ऐड कर दूंगी। यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से वॉश करके ड्राई कर लिया था, ड्राई होना इसका बहुत ज़रूरी है। तो ये देखें बहुत ही टेस्टी और यमी रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा कटाकट रेडी हो चुका है। आई होप मेरी ये रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर दिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।